For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. जी मैं डॉक्टर शकीब कुरैशी हूँ, बोर्ड सर्टिफाइड इन रूमेटोलॉजी एंड बोर्ड सर्टिफाइड इन इंटरनल मेडिसिन, और मैं अब 15 साल एक टीचिंग सेंटर में, टर्शरी केयर सेंटर यूएस में काम करने के बाद अब पाकिस्तान में जेनेसिस में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ एज अ सीनियर कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट। मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो मेरे दिल से बड़ा करीब है, जिसे कहते हैं फाइब्रोमायल्जिया। आप बड़े हैरान होंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हम सारे कहते हैं बड़ा कॉमन है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, गाउट वगैरह बड़ा कॉमन है, लेकिन आप बड़े हैरान होंगे कि जो पेशेंट मेरे पास आते हैं जनरलाइज एक्स एंड पेन्स के साथ, यानी कि हर पूरे जिस्म में दर्द जो है, उनको तो नहीं पता कि जोड़ों में है या कहाँ है, दर्दों के साथ आते हैं। आप बड़े हैरान होंगे कि ये एक बड़ी यूनिक बीमारी है जिसे कहते हैं फाइब्रोमायल्जिया। जनरली ये 99% मैंने लोगों में, फीमेल्स में देखी है, हर एज ग्रुप में, यंग भी, ओल्ड भी, और हर तरह के। जनरली लोग इसको मिसकंसीव कर लेते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ, लेकिन इसमें सिम्टम इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके जनरलाइज्ड बॉडी एक्स होती हैं, यानी कि पूरे जिस्म में दर्द, इवन मसल्स में दर्द, और उसके अलावा ये कि आपका स्लीपिंग पैटर्न इतना अच्छा नहीं होता, और आपको बहुत ज़्यादा फिटीग यानी कि थकन का आप शिकार होते हैं। इसके साथ साथ बड़ी कॉमनली डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जिसे हम मूड डिसऑर्डर कहते हैं, वो होता है। और ये मैं इसलिए, मेरे टॉपिक बड़ा दिल से करीब है कि बहुत लोग इसको आर्थराइटिस समझ के इसका इलाज शुरू कर देते हैं और वो कभी भी ठीक नहीं होते और मायूसी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जनरली ये आर्थराइटिस है ही नहीं, और ये एक बिल्कुल डिफरेंट डिजीज़ है जिसको आप अगर प्रॉपरली ट्रीट या डायग्नोज नहीं करेंगे तो आप इसको प्रॉपरली ठीक नहीं कर सकते। और मैंने बहुत ऐसे लोगों का इलाज किया है कि जो जिनको 20-20 साल से गाउट का ट्रीटमेंट, रूमेटॉइड का चल रहा था, लेकिन थे वो फाइब्रोमायल्जिया, और जब उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया तो बहुत ज़्यादा खुश हुए और मुतमईन हुए।